साल बाद दिया की जिंदगी में उसका पुराना प्यार लौट आया है और वो प्यार कोई और नहीं बल्कि अभय है जिसके साथ 12 साल पहले दिया की सगाई हुई थी। As Suyash, I'm happy that he's back. And as Abhay also, Tejasvi is happy, but Diya is a little confused. क्योंकि 12 सालों बाद obviously दिया ने उम्मीद नहीं की थी कि अभय अभी भी रुके हुए हैं और प्यार करते हैं और वेट कर रहे हैं और इतने पेशेंट है और इतने अच्छे हैं। बस अभय को देखकर दिया को भी ऐसा लग रहा है कि उसका पुराना प्यार उसके सामने आ खड़ा हुआ है और वो भी इस मौके पर जब दिया और रतन शाह की सगाई होने वाली है। हाँ वो अलग बात है कि दिया और रतन शाह की सगाई एक झूठी सगाई है, लेकिन अभय तो ये नहीं जानता है, उसे तो यही लग रहा है कि वो सच में रतन शाह से प्यार करने लग गई है। यही तो प्यार है ना, कितनी बार भी दिल को ही तोड़ दे बट हम प्यार करना थोड़ी छोड़ देते हैं। वैसे वाला है, सीजन 1 में भी किया था इन्होंने, सीजन 2 में भी करने वाली है। मेरा तो क्या है, मैं आता हूँ, दिल तोड़वाता हूँ, थोड़े आईब्रो पर करता हूँ, सीन्स करके चला जाता। कहने को तो चोट हाथ में लगी है, लेकिन इसका असली दर्द दिया और अभय के दिल में हो रहा है। दिया को एक साथ देखकर शायद रतन शाह भी एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा है कि इस रिश्ते को वो क्या नाम दे। तीसरा जब भी आता है रियल लाइफ में या रियल लाइफ में भी दर्द तो उतना ही होता है, और अब क्या करें, आ गए हैं अभय जी 12 सालों के बाद, पता नहीं कहाँ से टपक पड़े। और दिया से उनकी सगाई हुई थी 12 साल पहले, वो ऐसा सुनने में आया मुझे, लेकिन दिल दुख तो बहुत हो रहा है क्योंकि मेरी अपनी दिया इतनी जो क्लोज है मेरे, उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो उस बारे में मुझे दुख तो है, आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड। फिलहाल कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, ठीक वैसे ही जैसे रतन शाह की जिंदगी में ये सेगवे है। सेट में फुर्सत के पलों पर ये इसका लुत्फ उठाते हैं। वैसे अब चलते हैं वापस कहानी के पास। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभय अभी तो आप दिया से प्यार जता रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप इस कहानी के विलन बन जाएं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।